कोरोना वायरस जैसी महामारी को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बार बार लोगों से ये निवेदन कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग घरों में रहें, स्वस्थ रहें। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कोरोना वायरस के पिछले कुछ दिन पहले कुछ मामले पॉजिटिव सामने आए थे, जिसे देखते हुए उपमंडल तीसा की कुछ पंचायतें सील कर दी गई थी। उपमंडल तीसा कुछ व्यक्ति यहाँ बाहरी राज्यों से काम करने के लिए आए थे, परंतु जैसे ही लॉकडाउन हो गया वे व्यक्ति अपने घर तक नहीं पहुंच पाए। उपमंडी अधिकारी तीसा हेमचंद वर्मा ने बताया कि हम लगभग 50 लोगों को खाने की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। लगभग 12 पंचायतें सील की गई थी, लेकिन शुरू में जो हमारे उपमंडल में तबलीगी जमात की वजह से कुछ मामले आए थे, लेकिन उसके बाद जो है वो कोई भी पॉजिटिव मामला नहीं आया है और सभी उपचाराधीन 4 लोग थे, उसमें से 3 नेगेटिव आ गए हैं और चौथे का उपचार भी हो रहा है। इसके साथ साथ उसके भी नेगेटिव आने की पूरी संभावना है। उसके बाद हमारे उपमंडल में कोई भी पॉजिटिव मामला नहीं आया है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में। और इसके अलावा जो भी हमारी सील्ड पंचायतें हैं और दूसरी जो पंचायतें हैं, हमारे लगभग 47 पंचायतें हैं, हम राशन की सप्लाई और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जो है वो सुनिश्चित कर रहे हैं। राशन जो है वो डिपो के माध्यम से, पंचायतों के थ्रू, पंचायत के प्रतिनिधियों के थ्रू, और हम जो है वो हर एक वार्ड में सुनिश्चित कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो ओपन मार्केट का राशन है उसके लिए भी हमने नोडल अधिकारी बनाए हुए हैं और हम खुद भी इस स्थिति पर नियंत्रण रखे हुए हैं। सब्जियों की सप्लाई भी सुनिश्चित की जा रही है समय समय पर, सील पंचायतों में भी और दूसरी पंचायतों में भी सब्जी की सप्लाई जो है वो, और इसके साथ साथ गैस की सप्लाई भी सुनिश्चित की जा रही है। किसी भी तरह से कोई इस तरह की कोई शिकायत हमें उपलब्ध नहीं हो रही है। इसके साथ साथ हमारे जो उपमंडल में कुछ स्टैंडर्ड लेबरर्स भी ठहरे हैं, लगभग 50 लेबरर्स को हम राशन मुहैया करवा रहे हैं और क्वारंटाइन सेंटर में भी हम राशन उपलब्ध करवा रहे हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि हमारे यहाँ खेतीबाड़ी का काम भी शुरू हुआ है, मटर्स का सीजन भी चला हुआ है और मटर की गाड़ियों के लिए हम समय समय पर परमिशन दे रहे हैं और जिस तरह से भी जहाँ से भी कोई रिक्वायरमेंट आती है और उनको अच्छे रेट्स भी मिल रहे हैं चंबा मंडी में। और इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि हमारे उपमंडल में स्थिति काफ़ी शांतिपूर्वक रूप से ये हमारा जो लॉकडाउन है ये चल रहा है और लोगों की जो परेशानी है उनको दूर करने का हम पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। बतौर SDM सर, आप जनता को क्या संदेश देना चाहोगे लॉकडाउन के दौरान? जनता को मेरा यही संदेश रहेगा कि जो लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन